बात की थी मल्टीपल जीन के बारे में और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन के बारे में। तो प्लियोट्रॉपिक जीन को हम अपने लैंग्वेज में आपको समझाना चाहेंगे कि प्लियोट्रॉपिक जीन को हम और भी क्या कह सकते हैं। मल्टीटास्किंग एक ऐसा वर्ड है जिसको हम जब किसी व्यक्ति को एक साथ एक से ज्यादा काम करते हुए देखते हैं तो उसे हम कह सकते हैं कि ये मल्टीटास्किंग वर्क है। आप अपना ही एग्जांपल ले ले, आप एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, मोबाइल भी चला सकते हैं और टीवी भी देख सकते हैं, तो ऐसे वर्क को हम मल्टीटास्किंग वर्क कहते हैं। ठीक उसी तरह प्लियोट्रॉपिक जीन का भी काम इसी तरह होता है कि इसका एक जीन जो प्लियोट्रॉपिक जीन होता है वह एक बार में मल्टीपल कैरेक्टर को शो करता है या इफेक्ट करता है। तो चलिए हम जानते हैं इसके डेफिनेशन। जीन विच कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। ऐसा जीन जो कि कंट्रोल करता है एक से ज्यादा कैरेक्टर को उसी हम प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। दिस जीन सो मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट। ये जीन शो करता है मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट को। फिनोटिपिक का मतलब जो हमें बाहर से दिखता है उसे हम फिनोटिपिक इफेक्ट कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ कैरेक्टर वर्ड पर। बच्चे कैरेक्टर और ट्रेंड वर्ड में बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। एम्स के जब क्वेश्चन होते हैं वहां कोई सिलेबस बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं होता है, बट बच्चों को इधर उधर थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए वो क्या करते हैं, वर्डिंग्स का हेर फेर करते हैं। अब क्वेश्चन जैसे बन जाएगा जीन विच कंट्रोल मोर देन वन ट्रेड्स, बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर जाएंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कैरेक्टर और ट्रेड्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। इस चीज को हम समझते हैं एग्जाम्पल से कि प्लियोट्रॉपिक जीन क्या है और किस में होता है। इन पी प्लांट सिंगल जीन इन्फ्लुएंस्ड दिस थ्री कैरेक्टर्स। पी प्लांट्स में जो सिंगल जीन होते हैं वो ये तीन कैरेक्टर को इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। सीड कोट, रेड स्पॉट इन द एक्साइल ऑफ द लीफ एंड द कलर ऑफ फ्लावर। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोई जीन जो है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर पे जाके एक्सपैंड नहीं कर रहा है, ये तीन कैरेक्टर को एक साथ इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये नहीं कर रहा है कि इसका फ्लावर का कलर रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, या फिर सीड कोट का कलर क्या है या साइज क्या है, ये सब चीज नहीं बता रहा है। बस इसका ये काम है कि ये तीन कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब हम आते हैं क्रोमैटिड्स को ले लेते हैं। ये क्रोमैटिड्स है, यहाँ पे ये सिंगल जीन है। ये क्रोमैटिड्स किसका है, पी प्लांट का या फिर जिसका भी हो जिसमें कि प्लियोट्रॉपिक जीन शो होता है उसका। ये क्रोमैटिड्स है, ये सिंगल जीन है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है ये थ्री कैरेक्टर्स को। ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन। ये ट्रेट ए है, बी है और ट्रेट सी है। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। इन ड्रोसोफिला ए जीन ऑफ विंग साइज ऑल्सो इन्फ्लुएंस सम अदर कैरेक्टर। ड्रोसोफिला में क्या आता है, जो जीन विंग्स के साइज को इन्फ्लुएंस करती है वो अदर कैरेक्टर को भी इन्फ्लुएंस करती है। जैसे हम ले लेते हैं ब्रिसल्स के उसके और स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड द रिडक्शन ऑफ ए प्रोडक्शन। ये तीन कैरेक्टर को भी वो जीन इन्फ्लुएंस करता है जो जीन इस विंग्स के साइज को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये सब एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपिक जीन के। आइए आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे ह्यूमन बींग्स के केस में प्लियोट्रॉपिक जीन कैसे काम करता है। तो इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन के एक और एग्जाम्पल को, वो है सिकल सेल एनीमिया। ये सिकल सेल एनीमिया ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। तो ह्यूमन बींग्स में सिकल सेल एनीमिया पाया जाता है और ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि हमें मेडिकल फील्ड में पढ़ने के लिए बहुत ही मिलता है। जब आप बायोलॉजी अगर आप ले लिए तो आपको सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर के बारे में हर जगह पढ़ने को मिलेगा। ये एक जेनेटिकली डिसऑर्डर है तो इसके बारे में हमेशा पढ़ाया जाता है। हर स्लाइड में आपको, हर टॉपिक में आपको सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ाया जाता है।
तो चलिए जानते हैं हम कि ये क्या है और कैसे इफेक्ट करता है। यहाँ हम देख रहे हैं एक मेल है और एक फीमेल जो कि सिकल सेल एनीमिया कैरियर है। कैरियर का मतलब ये होगा कि इसका कुछ हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल होगा और कुछ कैरियर होगा, मतलब सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित होगा। मेल में भी वही होगा, फीमेल में भी वही होगा। कैरियर उसी को कहते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन आधा कैरियर हो और आधा नॉर्मल हो। जब इनके प्रोजेनी होंगे तो वो फोर टाइप्स के होंगे। इसको हम परेड स्क्वायर में चेकर बोर्ड में लगाकर देखेंगे तो इस तरह का रिजल्ट आएगा हमारे पास। पहला जो होगा वो नॉर्मल होगा, दूसरा जो है कैरियर है, इट मीन्स कि हाफ ऑफ द हीमोग्लोबिन या आरबीसी जो होगी वो इफेक्टेड होगी सिकल सेल एनीमिया से और हाफ ऑफ द नॉर्मल होगी, ये दोनों को केस में। लेकिन फोर्थ वन जो है वो डिजीज्ड, मतलब ये सिकल सेल एनीमिया से इफेक्टेड होगा। और लास्ट में लिखा हुआ है डाइज, मतलब ये मर भी सकता है। तो क्यों ये इसका इफेक्टेड होगा और ये क्यों डाई हो जाएगा? क्योंकि जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो आरबीसी का शेप जो है सिकल शेप का हो जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम ही पहुंचती है और वो क्या करता है, नसों को ब्लॉक करने लगता है, जिससे और भी जितने फंक्शन होते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो बच्चे में शुरू से पाई जाती है, तो जो प्लियोट्रोपिक जीन जो होती है अगर सिकल सेल एनीमिया के कारण, वो और भी जो बॉडी का जो ऑर्गेन होता है उसका डेवलपमेंट नहीं होने देता है, तो एट लास्ट ऐसे प्रोजेनी की डेथ हो जाती है लास्ट में, जो भी सिकल सेल एनीमिया से इफेक्टेड होता है। तो चलिए अब इसको हम समझते हैं अगले टॉपिक से। तो सिकल सेल एनीमिया का प्लियोट्रोपिक जीन में क्या रोल है, इस चीज को हम समझते हैं। ये क्रोमैटिड्स है, इस चीज को हम देख लें, ये क्रोमैटिड्स है और ये यहाँ पे सिंगल जीन है जिसको हम एचबी भी लिखते हैं। तो इस जीन पे जो बीटा ग्लोबिन है वहां पर जीन म्यूटेशन होने के कारण सिकल सेल एनीमिया कॉज होता है। अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं कि बीटा ग्लोबिन क्या होता है, कहां पर होता है और वो कैसे जीन म्यूटेशन होने के कारण सिकल सेल एनीमिया होता है उसमें। ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, ये दो चेन होता है हीमोग्लोबिन का, अल्फा वन और अल्फा टू। उसके जस्ट नीचे दो चेन और होता है जिसमें बीटा वन और बीटा टू है। इसी बीटा वन बीटा टू में ये बीटा ग्लोबिन में जीन म्यूटेशन होता है और ये हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी में, आरबीसी के जस्ट ऊपर। जब उसको बहुत ही मैग्निफाई किया जाता है, एक्सपेंड किया जाता है, तो हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो जब ये बीटा ग्लोबिन पे जीन म्यूटेशन होता है तो सिकल सेल एनीमिया होता है। तो ये जो जीन जिसके कारण सिकल सेल एनीमिया हुआ, तो एक बार में ये क्या करती है, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो बचपन से ही किसी भी पर्सन में होती है, तो जब ये जीन सिकल सेल एनीमिया कॉज करेगी, जो जीन सिकल सेल एनीमिया कॉज करती है वही जीन बाकी के जो डेवलपमेंट वाले जीन होते हैं, जो जो भी बॉडी ऑर्गन्स के डेवलपमेंट होते हैं, उस जीन को भी ये इफेक्ट करने लगती है। फिर से समझिए, जो जीन सिकल सेल एनीमिया कॉज करती है वही जीन बाकी के ऑर्गन्स के डेवलपमेंट वाले जीन को भी इफेक्ट करने लगती है, इसीलिए हम इसे प्लियोट्रोपिक जीन भी कहते हैं। अब ये कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है, कहा जाए तो सारे बॉडी ऑर्गन्स को, एक दो तीन नहीं कहा, यहाँ बस तीन लिखे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वे सारे बॉडी ऑर्गन्स को ही इफेक्ट करने लगती है, क्योंकि आरबीसी का शेप डिफरेंट हो जाता है और सारे नस जो होते वो ब्लॉकेज हो जाते हैं, जिसके कारण सारे डिसऑर्डर्स इफेक्ट करने लगते हैं सारे बॉडी ऑर्गन्स को। तो यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है, ब्लाइंडनेस, लीवर, हार्ट,
किडनी सारे बॉडी ऑर्गन्स पे इसका इफेक्ट होने लगता है, इसलिए प्लियोट्रोपिक जीन इसे कहा गया है, जिसमें कि ऐसा जीन जो कि मल्टीपल कैरेक्टर को इफेक्ट करने लगता है तो उसे हम प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्लियोट्रोपिक जीन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगी। थैंक यू।